जय श्री कृष्ण। चुरा लिया होगा समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंख सूर सूर को मार डाला। परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए। वहां से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की प्रिय पुरी संयमनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत किया। और भक्ति भाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं? श्री भगवान ने कहा, यमराज, यहाँ आपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरु पुत्र लाया गया है। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान ना देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरु पुत्र ला दिया। तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंप कर कहा कि आप और जो कुछ चाहे मांग लें। गुरु जी ने कहा, बेटा, तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दी, अब और क्या चाहिए जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तम को, तुम का गुरु है, उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है? वीरो, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम्हें लोकों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मित ना हो। बेटा परीक्षित, फिर गुरु जी से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को ना देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया हुआ देख सबके सब परमानंद में मग्न हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया हो। जय हो, जय हो, प्रणाम सर।